हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द दक्षिणा ई क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 24। लेट ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सच दैट ए और बी में रिलेशन दे रखा है, सी और डी में ये है। इफ ए माइनस सी इज इक्वल टू 9, देन वैल्यू ऑफ बी माइनस डी। ओके, सबसे पहला स्टेप रहेगा, यहाँ ए और बी में रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो बी को मैं लिख सकता हूँ ए पावर 3/2, ठीक है। और यहाँ से डी को लिख सकते हैं हम सी पावर 5/4। ओके, तो ए कितना आ गया यहाँ से, यहाँ से ए कितना आ गया, ए आ गया बी पावर 2/3, और यहाँ से सी आ गया डी पावर 4/5। ओके, और ए माइनस सी गिवन है, कितना है ये 9, ये गिवन है आपको, ठीक है। क्योंकि हमें बी माइनस डी की वैल्यू निकालना है, तो ए और सी में रिलेशन है, ए और सी को हमने रिप्लेस कर दिया बी और डी से, तो बी पावर 2/3 और सी है डी पावर 4/5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, देखो ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ बी पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है टू डी पावर 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बी पावर 1/3, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया है, तो बी पावर 1/3 माइनस डी पावर 2/5, ठीक है, इंटू इधर आएगा बी पावर 1/3 प्लस डी पावर 2/5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ओके, और बी और डी आपको गिवन है यहाँ पर कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बी और डी इंटी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। सबसे पहली बात तो बी और डी यदि इंटीजर है, तो यहाँ बन बी पावर 1/3 इधर 2/5 है। इरेशनल नंबर भी बनता है तो अलग अलग टाइप का बनेगा। ओके, दूसरी चीज, और ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो उसकी पावर जो ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मैं 9 को क्या क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 9 जो लिखा जा सकता है 1 × 9 या 9 × 1, मतलब ये 1 हो जाए, 9 हो जाए, ये 9 ये 1, या दोनों ये 3 ये 3, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ये वैल्यू जो है दो पॉजिटिव नंबर को आप सबट्रैक्ट कर रहे हो, इधर ऐड कर रहे हो, तो ये वैल्यू जो है छोटी होगी इससे, मतलब मैं इसको 9 लूँ इसको 1 लूँ तो कोई सेंस नहीं बनता। आप ले के देखना चाहते हो तो देख लो, बी और डी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएंगे। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ दो पॉजिटिव नंबर को आपने डिफरेंस किया है और इधर ऐड किया है, तो ये नंबर ऑब्वियसली बड़ा होगा इससे, तो ये 9 हो गया, ये 1 हो गया। 9 और 1 वाला केस एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, हमने यही समझ लिया। आप इसको 9 इसको 1 लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो, बी और डी निकालो तो वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएंगे, क्लियर है। अब बात आती है एक और, 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 × 3, ये 3 × 3, अच्छा डी 0 तो नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो जीरो कहाँ से हुआ, तो ये दोनों बराबर भी नहीं हो सकते क्योंकि दो सेम नंबर को ऐड करो सबट्रैक्ट करो और जीरो नहीं हुआ, तो सेम कैसे हो सकता है। अच्छा, और एक फिर ये डाउट आता है कि दोनों नेगेटिव हो जाए, जैसे 9 को मैं -1 × -9 लिख सकता हूँ, तो ये निगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो एक ही केस हमारे पास बचा हुआ है। तो बी पावर 1/3 प्लस डी पावर 2/5 इज इक्वल टू 9, और यहाँ से बी पावर 1/3 माइनस डी पावर 2/5 इज इक्वल टू 1। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 2b पावर 1/3 इज इक्वल टू 10, तो बी पावर 1/3 कितना आ गया 5, तो यहाँ से b आ गया 5/3, दैट इज 125, 125 आ गया, ठीक है। फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया तो 2d पावर 2/5 इज इक्वल टू 9 − 1, दैट इज 8, तो यहाँ से डी पावर 2/5 कितना आ गया 4, तो यहाँ से डी आ जाएगा 4 पावर 5/2, 4 पावर 5/2, तो ये हो गया 2 पावर 5, दैट इज 32। ओके ओके, तो बी और डी आ गया। अच्छा, आपसे जो पूछा गया है वो पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस डी, सो देयरफॉर आंसर इज बी माइनस डी। बी कितना है आपके पास 125, और डी कितना निकल गया है 32, तो ये हो जाएगा 93 93 93 इज द आंसर। ओके,